बोलो मेरे गुरुदेव नित्यलीला ब्रह्मकृष्ण विष्णु पाद अष्टोत्तर सतश्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरु पाद पद्म नित्यलीला ब्रह्मकृष्ण विष्णु पाद अष्टोत्तर सतश्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रीला नारायण गोस्वामी महाराज के चरण में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी माता पिता सभी को मैं यथाजोग्य प्रणाम करता हूँ। हम लोग गतकल्ला श्रवण कर रहे थे। श्री शंकर जी कहते पार्वती, जगत में सब चीज की सुलभता है, लेकिन जो प्रभु राम की कथा है पार्वती, ये जगत में सबसे बड़ा दुर्लभ है। इसलिए सत्संगति दुर्लभ संसारा निमिष दंड भर एको वास। शंकर जी कहते पार्वती, अगर प्रभु राम जी का कथा अगर एक निमिष एक दंड और एक लाभ अगर जीवन में प्रभु राम की कथा सुनने को मिले, कहते पार्वती की जीवन जीव का धन्य हो जाता है। इसलिए जो राम है, कहते राम का मतलब क्या है, बोले रा मतलब राष्ट्र, म मतलब मंगल, जो राष्ट्र की जो मंगल करने वाले ये प्रभु राम है। बोले रा मतलब बोले रई दाने, रा मतलब जो देते हैं, बोले क्या देते हैं, बोले मां, मां मतलब मंगल। हाँ, इसलिए बोले मंगल भवना मंगल हारी, मंगल भवना मंगल हारी, मंगल मंगल को दूर करके जीव को जो मंगल प्रदान करते हैं, इसलिए उनका नाम राम है। इसलिए शंकर जी कहते हैं, हम सबके सब सोचते हैं भैया हमारा क्या कर्तव्य है, हमको क्या करनी चाहिए, हम किसके शरण में जाए। हाँ, तो यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं एक श्लोक को द्वारा, बोले श्री रामम शरणम समस्त जगतम, रामम बिना का गति, रामेण प्रतिहन्नते कलिमलम, रामाय कार्य नमः, रामात तस्यति काल विभु भुजगो, रामस्य सर्वं भजे, रामे भक्तिरखंडिता भवन्तु मे, रामत्वमाश्रया। कहते ये श्लोक द्वारा कहते हैं, बोले रामम शरणम, कहते किसका शरण में हम जाए, बोले शरण जाना तो प्रभु राम जी के शरण में जाओ। शंकर जी कहते हैं पार्वती, मेरे राम प्रभु का जो महिमा को अगर एक बार जो जान ले, फिर राम को छोड़ करके और किसको पास में जाएगा नहीं। हाँ, बोले क्यों, बोले देखो उदाहरण देते हैं, बोले विभीषण को देखो,
बिभीषण प्रभु राम का शरण में आया। बोले किसी समय आया जब बिभीषण बहुत समझाया रावण को, बोले भैया हमने बड़े श्रेष्ठ वंश में हम जन्म लिया, ऋषि वंश में हमने जन्म लिया, हमारा धर्म नहीं किसी पराई स्त्री को अपहरण करके उसको भोगना, हमारे ये धर्म नहीं है। इसलिए सीता ये स्वयं लक्ष्मी इसको राम को दे दो, नहीं तो लंका में कोई दिया जलाने के लिए नहीं रहेगा, कभी ईट ईट बाकी रह जाएगी। रावण को तो क्रोध आ गया, बोले मेरे शत्रु का तू गुणगान कर रहे हो, ये दो बालक जंगल में भटकने वाले दर दर अपना राज्य छूट गया, अपना बीवी के लिए दर दर भटक रहे, और बोले उसका शरण में जा, मारे लात विभीषण को, अभी कल सवेरे युद्ध होने वाले हैं, हाँ? इसलिए लात मारे विभीषण को। विभीषण ने प्रभु राम का शरण में आ गया। जब राम का शरण में आए, अभी रामचंद्र सारे सभासद को सबको उन्होंने उन्होंने सुग्रीव हनुमान जांबवान सबको उन्होंने बुलाया, मीटिंग बुलाया, बोले बताओ अभी हमारा क्या कर्तव्य है, क्योंकि कल सवेरे युद्ध होने वाले, कल सवेरे हाँ? और ये अभी ये कौन है, बोले रावण का शत्रु का खास भैया, छोटा भाई, और ये राक्षस भी है हाँ? फिर ये हमारा शरण में आया, पता नहीं राक्षसों का बुद्धि बड़ा गड़बड़ होता है, पता नहीं किसका इधर सामने आ जा, पता नहीं इसकी भाव किस लिए ये आया है हाँ? सबको उन्होंने पूछा एक एक करके, सब लोगों ने इनकार कर दिया, बोले एकदम नहीं, इनको एकदम शरण देनी नहीं चाहिए, ये शत्रु का भाई है, कल सबर युद्ध होने वाले, पता नहीं ये किस मतलब को लेकर के आया है हाँ? लेकिन केवल वहां एक हनुमान था, जब हनुमान को पूछा, केवल एक हनुमान ने कहा कि तो नहीं भैया, मैं जब माता सीता को ढूंढते ढूंढते लंका में मैं पहुंचा, बहुत कोशिश कर रहा था, कहां माता सीता जी, मैं तो कभी मंदोदरी को देखकर मैं भ्रमित हो गया, क्योंकि मंदोदरी इतने सुंदर थी, ये मैदान का ये बेटी है, उसका नाम क्या, बोले मंदोदरी, मंद उदर, उदर मतलब पेट, मतलब जिस कमर एकदम पतली है, स्त्रियों का अंदर में जो स्वभाव है वो सारे स्वभाव ये मंदोदरी के अंदर में थी, अपूर्व देखने में। हनुमान कहता है मंदोदरी को देखकर मैं भ्रमित हो गया, यही तो माता सीता नहीं, लेकिन देखा वो तो निश्चिंत में सो रही, कहता अगर ये माता सीता होती तो ये कभी निश्चिंत में कभी सो नहीं सकती, क्योंकि प्रभु राम से ये बिछड़ गई है, प्रभु राम चिंता में तो रोती होगी, वो सोती कहाँ, रोती तो होगी, और ये तो आराम से सो रही है, ये कभी नहीं हो सकती है। फिर हमने बहुत ढूंढ रहा था, हठात मैंने देखा लंका में एक तुलसी वृक्ष हमने देखा, मैंने कहा भैया लंकापुरी में तुलसी वृक्ष, ये तो रावण का पुरी है। उन्होंने उतर करके, हनुमान जी उतर करके आए, बोले ये तो माया भी पूरी हो सकता है, मेरे को भ्रमित करने के लिए कहीं ये तुलसी वृक्ष को प्रकट कर दिया। लेकिन फिर देखा उतर करके घर को सामने श्री राम लिखा हुआ, और शंख चक्र गदा पद्म चिन्ह देता हूँ, यारे मेरे प्रभु राम का ना। अभी प्रश्न है कि लंकापुरी में ये विभीषण ये राम का नाम लिखा कैसे, रह रहा है कैसे, यहाँ पर श्री विभीषण ये भक्तों को रहने कैसे रहनी चाहिए, एक बहुत बढ़िया उन्होंने उदाहरण दिया। अगर हमको भक्ति करनी तो कैसे रहनी चाहिए, देखो ये 32 दांत के नीचे ये रहता है कौन, जीवा रहता है, अगर थोड़ी सी जीवा का थोड़ी सी गड़बड़ हो जाए ना, झट दांत काट देगा, ये छट दब जाएगा, लेकिन ये 32 दांत अंदर में ये जीवा भी रहता है हाँ? कहते उसी तरह हमें भी अगर भक्ति करना तो ये जीवा जैसे रहनी चाहिए हाँ? तब रावण कभी पूछा विभीषण, बोले विभीषण तू मेरे शत्रु का नाम यहाँ श्री राम कैसे लिख दिया, बोले कहाँ पर, बोले क्या लिखा हुआ, श्री राम लिखा हुआ, मेरे शत्रु का नाम, कहते भैया ये शत्रु का नाम थोड़ी, मैं तो अपने भाभी भैया को बहुत प्रेम करता हूँ, उनका आप दोनों का नाम, बोले कैसे, बोले आपका नाम राम,
राम का प्रथम अक्षर अपन का नाम रावण, रावण का प्रथम अक्षर क्या है बोले रा, भाभी का नाम मंददरी, मंददरी का पहला अक्षर म, इसलिए ये भाभी और भैया का नाम दोनों का नाम तो लिखा हुआ रावण खुश हो गया और क्या। इसलिए अगर हमको भी भक्ति करना है ऐसे हाँ विभीषण जैसे हमें रह करके भक्ति करनी चाहिए। फिर हनुमान ने देखा मैं अंदर में जाता, हो सकता है ये शंख चर गदा पद्म राम नाम भी माया से कोई प्रकट कर दिया होगा। फिर अंदर में गया, अंदर में गया देखा ये विभीषण सो रहा है और उसको रोम रोम में श्री राम श्री राम श्री राम कभी रोम रोम में प्रभु राम का नाम निकल रहा है। मैंने देखा किसी कपटी व्यक्ति का हाँ कभी भी रोम रोम से ये राम तो तभी निकल सकता है जो संपूर्ण राम भक्ति में शराब रहा हो। हाँ इसलिए नयनम गलदस्त्र धारया बदनां गदगद रुधया गिरा पुलकैर निचितं वपु कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। इसलिए महाप्रभु कह रहे हैं कब ऐसे दिन आए हे प्रभु तेरे नाम लेते ही आंखों से आंसू बहने लग जाए हाँ और शरीर में पुलकित होने लग जाए और हृदय हमारे गदगद हो जाए। कब ऐसे दिन आए ये स्थिति आए कब, ये तो प्रेमी के भक्त का लक्षण है, ये कपट व्यक्ति का कभी लक्षण ये हो ही नहीं सकता। कपट से तो कभी भी पुलकित नहीं होगा शरीर। हाँ लगता है ये कोई राम का भगत है। फिर मैं समझ करके फिर हमने दरवाजे खटखटाया, फिर विभीषण प्रभु का राम नाम लेकर के आए, फिर विभीषण से मेरा साक्षात्कार हुआ, फिर विभीषण ने मेरे को बताया ये माता सीता जी कहाँ पर है। कभी यही एक व्यक्ति मेरे को मिले प्रभु मेरे को पता है। प्रभु राम ने क्या बताया, प्रभु राम क्या कहते हैं बोले सकृत एव प्रपर्णा जस्तबांग स्मितते जाचते अभयम् सर्वदा तस्मै ददामि एतत् व्रतम्। कि भगवान का प्रतिज्ञा है जो विभीषण शरण में आया प्रभु राम ये सप्त समुद्र को साखी रखते हुए प्रभु राम कह रहे हैं। कहते हम क्यों प्रभु राम का शरण में जाए, यहाँ कहते प्रभु शरण जाना तो कहाँ जाओ बोले राम का शरण में क्या होगा। प्रतिज्ञा कर रहे हैं बोले सकृति एव प्रपर्णा, अगर एक बार कोई सच दिल से अगर एक बार कोई बोलते है प्रभु राम मैं तेरा हूँ, अब आप मेरे हो अभी तो तुम्हार तुम्हें तो हमार मैं आपका हूँ आप मेरे हो, अगर एक बार कोई बोल दे प्रभु राम कहते हैं बस अभयम सर्वदा तस्मयी, मैं सर्वदा उसको अभय प्रदान करता हूँ, हर समय उसको मैं अभय प्रदान करता हूँ। ये मेरा व्रत है, हम भी कोई कोई व्रत रखते हैं, कोई एकादशी व्रत कोई जन्मा हम भी कोई व्रत रखते हैं। कहते भगवान राम का ये व्रत है एक बार शरण में जाने पर वो किसको त्याग नहीं देते। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं राम शरण में जाए तो क्या होता है, कहते सन्मुख हो जी जब जो ही जब ही सन्मुख हो शरण में हम जाए राम का सन्मुख में जाए तो क्या फल है, प्रभु का शरण में केवल आ जाए
कहते जन्म कोटि अघ ना सहित हो, जन्म जन्मांतर कोटि कोटि जन्म का जो पाप है, कहते प्रभु के केवल सन्मुख होने पर वह मंगल भवना अमंगल हरी, वो सारे पाप को प्रभु नष्ट कर देते हैं। बोले विश्व द्रोह करे तो अघ जो ही लागा, किसने विश्व द्रोह अगर किसने किया उसका जो पाप लगता है, शरण गयो प्रभु तदपि न त्यागा। लेकिन एक बार प्रभु का शरण में आ जाओ, राम शरण में, कहते राम कभी उसको त्याग नहीं लेते हैं। कोटि पिपर बद लागई जाऊं, अगर करोड़ों ब्राह्मण किसने बद कर दिया, लेकिन आये शरण और तेज नहीं काओ, अगर राम का शरण में आए तो प्रभु कभी उसको त्याग नहीं देते। देखो प्रभु कितने दयालु है, प्रभु इतने कृपालु है। इसलिए शंकर जी कहते हैं, अरे पार्वती मेरे प्रभु का गुण को अगर एक बार कोई जान लेना, फिर मेरे प्रभु को छोड़कर और किसको भजन ही नहीं करेगा। शंकर जी कहते हैं, और किसको भजन ही नहीं करेगा, वो केवल मेरे प्रभु का नाम लेगा। बोल रघुपति राघव राजा राम पति गुरु जी कहां पर हमारे महाराज जन्म लिया, बोले बक्सर में। वो बक्सर क्या है, बोले प्रभु राम लक्ष्मण, जब राम लक्ष्मण सीता जब वनवास हुए बक्सर में ही वहीं पर रहे, वहीं पर भगवान निवास वहीं पर किया है, और वहीं पर तारका को भी प्रभु राम वहीं पर वध किया। इसलिए हमारे जो गुरु जी का जो जन्म स्थान है, राम लक्ष्मण सीता की चरण धूलि को द्वारा पवित्र जो स्थान है, इसलिए हमारे महाराज जी इनकी लीला भूमि में महाराज जी जन्म हुए हैं। हाँ? और बहुत अच्छे परिवार तिवारी वंश में महाराज जी जन्म हुए। इसलिए गुरु जी कहते थे, कहते अगर मेरे कभी इच्छा होता था रोने के लिए, मैं ये तुलसी कृत रामायण लेकर पढ़ता था, और ये ग्रंथ पढ़ते ही मेरे आंखों से प्रभु राम सीता की कथा सुन करके मैं रोता रहता था। इसलिए हमारे महाराज जी बड़ा सुंदर प्यारी प्यारी राम की बड़ी सुंदर, महाराज जी जब राम जन्मोत्सव होता था मथुरा में जब हम रहते थे पहले, महाराज जी 7-8-9-10 दिन तक गरगरी महाराज जी केवल राम कथा सुनाते थे, केवल राम कथा सुनाते थे। और उनका वनवास आए फिर तो महाराज बहुत रोते थे। इसलिए जो राम की जो कथा है, कहती अत्यंत अत्यंत ये पवित्र कथा है। कहते भैया हम तो कृष्ण भक्त है, राम कथा क्यों सुनेंगे, हम तो कृष्ण भक्त है। तो गुरु जी कहते थे बल राम कृष्ण में कोई भेद नहीं है, इसलिए हम बोलते हैं ना, हाँ केशव धृत राम शरीर, हम कहते हैं ना प्रलयो पयो धी जले धृतवान शिवतम। कल किसने राम रूप धारण किया, गुरु जी उदाहरण देते थे जैसे, हाँ ये गुरु जी का उदाहरण, जैसे ये चंद्रमा है, ये पूर्णिमा का दिन, ये चंद्र पूर्ण है, लेकिन वही चंद्र जब प्रथमा होता है एक क्लास में घट जाती है, घट करके, लेकिन चंद्रमा कौन है, बोले चंद्रमा कोई अलग नहीं, चंद्रमा वही है चंद्रमा, लेकिन जब प्रथमा में एक क्लास में घट गया, दूसरे दिन में दूसरे क्लास घट गया, लेकिन चंद्रमा कोई अलग नहीं, इसलिए उसमें कहते केशव धृत राम शरीर जय जगदीश हरे। केशव धृत किसने वो रूप धारण किया है, मत्स्य रूप किसने धारण किया, कुरुम रूप किसने धारण किया, बराह रूप किसने धारण किया, बोले केशव वो कृष्ण ने ही धारण किया। बोले क्यों क्यों धारण किया,
बोले जब जब उनको जो जो जरूरत पड़ता है जगत में स्थापन करने के लिए, जब भगवान कृष्ण को जरूरत पड़ा जगत में मर्यादा को स्थापन करे, मर्यादा के बगैर भक्ति तो टिक नहीं सकती है। जैसे घर जब महल खड़ा हुआ, जब तक नीम नहीं हो तब तक वो महल कभी खड़ा नहीं हो सकता। इसलिए राम रूपी मर्यादा को जब तक हम स्वीकार नहीं करेंगे, हाँ जीवन चरित्र जब तक राम जैसे नहीं करेंगे, कृष्ण भक्ति में हम कभी प्रवेश कर ही नहीं सकते। इसलिए गुरु जी कहते थे पहले उज्जवल निर्मणि में, हाँ श्री रूप गोस्वामी उज्जवल निर्मणि ग्रंथ से पहले कहते हैं, पहले ये जो उज्जवल निर्मणि केवल ये श्रृंगार रस के भक्तों के लिए, श्रृंगार रस की और किसी के लिए नहीं। लेकिन वो श्रृंगार रस इतनी आसानी नहीं, वो श्रृंगार रस में प्रवेश करने के लिए पहले ये राम चरित्र को पहले अपना जीवन में उतारो, फिर तब कहीं जा करके वो श्रृंगार रस में प्रवेश कर सकते हो। राम चरित्र को उतारा नहीं, राम का आदर्श को ग्रहण नहीं किया, अपना चरित्र ठीक नहीं, बोले इतने आसानी नहीं वो कोई श्रृंगार रस में प्रवेश कर, नहीं तो सहजिया बन जाओगे, पूरा पक्का सहजिया। इसलिए पहले हमें प्रभु राम का चरित्र आदर्श, जैसे हम कल श्रवण कर रहे थे, पुत्र का पिता का भक्ति क्या कर्तव्य है, रामचंद्र सब चीज को सिखा देते। कहा राम इच्छा करते तो राज सिंहासन में बैठ सकते थे, लक्ष्मण स्वयं क्रोधित होकर के बोले, बोले ये कामी राजा, अपना पिताजी को बोले कामी राजा, अगर आप बोलोगे इसको मैं खत्म कर सकता हूँ। लक्ष्मण कहते हैं राजा बनने का लायक आप हो, आप बड़े भाई, आपका अधिकार राजगृह में बैठने का। ये कामी राजा पत्नी के प्रेम में विवश होकर के आपको वनवास दे रहे हैं। लेकिन राम सुनते ही बोले नहीं, पिता का स्थिति को तो देखो, रघुकुल नीति सदा चली आई, प्राण जाए बरु बचन न जाए। इसलिए हमारे वंश में जितने आए हैं, हमारे वंश में इन लोगों ने अपना वाणी को रक्षा किया है, अपना प्रतिज्ञा को रक्षा किया है, पिताजी की विवशता को देखो, वो कहां कैसे विवश में कैसे फंस गए, कैसे वो कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए लेकिन उन्होंने पिताजी को आदेश को पालन करने के लिए उन्होंने क्या किया, 14 साल तक वनवास गए। एक दिन हम वन में रह नहीं सकते, ये भगवान 14 साल तक पिताजी का वनवास गए। फिर देखो भरत जी गए लेने के लिए, भरत ने क्या कहा, आप जाओ राज सिंहासन बैठो और मैं 14 साल के लिए मैं वनवास रहता हूँ। भरत बोले अब जाओ, मैं 14 साल के लिए मैं वनवास रहूंगा, आप जाओ। लेकिन बोले नहीं, मैं पिताजी का आज्ञा को अमान्य नहीं कर सकता हूँ, पिताजी तेरे लिए नहीं, माताजी तेरे लिए नहीं, बोले माताजी मेरे लिए बोले, इसलिए मेरा कर्तव्य है पिताजी का आदेश को मुझे पालन करनी चाहिए। हमारे ये हमारे हिंदू मर्यादा है, ये हमारे हिंदू मर्यादा, मतलब पिता माता का प्रति एक संतान का क्या कर्तव्य है पिता माता का प्रति, यहाँ पर प्रभु स्वयं सिखा देते हैं। इसलिए हमारे गुरु जी कहते थे और हमारे महाराज लोग कहते थे, देखो जब तक तुम पिता माता को आदर नहीं दे सकते हो, तब तक यहाँ पर भक्ति में आकर के तुम वैष्णव का आदर नहीं दे सकते। इसलिए माँ सची जब महाप्रभु को साथ में मिलने के लिए शांतिपुर में आती हैं, महाप्रभु क्या बोलते हैं, महाप्रभु जाकर के मैया के चरण स्पर्श करते हैं, बोले माँ तुम नहीं होता तो मेरे को जन्म कौन देता, तू तो मेरे को जन्म दिया है, गर्भ में तुमने 9 महीना तक तुमने मुझे धारण किए है, तुमने मेरे को जन्म दिया, लाल नपाल ने किया, टाटी पेशाब को तुमने साफ की, इसलिए मैं तेरा पागल लड़का हूँ, मैं तो पागल पड़े में मैंने संन्यास ले लिया, अगर तुम बोलोगे मैं वापस जा सकता। लेकिन उनको माँ के साधारण है नहीं बेटा, तू एक बार तुमने संन्यास ले लिया, इसलिए एक काम करो, तू दूर में मत जा, कहीं पास में रहो, जैसे तेरा खबर मेरे को मिलते रहे, कम से कम मेरे को पता चले मेरे लाला कैसे हैं, मेरा बेटा कैसे है, मेरे को कम से कम तेरा खबर मिलते रहे। बोले ठीक है मैया, मैं दूर में नहीं जाऊंगा, पास में रहूंगा। बोले कहाँ, बोले पुरी में मैं निवास करूंगा। इसलिए
भगवान ये आदर स्वरूप में भगवान ये सब रामचरित्र में ये सब चीज इतने सुंदर रूप में इतने अद्भुत रूप है राम कथा इतने अद्भुत रूप है उसमें एक एक बात को हम जब देखेंगे एक आदर्श जीवन को हम कैसे बिताए और ये संसार में सुखी रह सकते हैं और ये राम आदर्श को हम ग्रहण नहीं करने के नाते संसार में जितने दुख है जितने दुख है कभी सारे मूल कारण है प्रभु राम का चरित्र भी हम आदर्श रूप में कोई ग्रहण नहीं कर रहे हैं। अगर ये राम चरित्र को हम आदर्श ग्रहण करेंगे हम बोलते हैं राम राज्य क्या बोलते हैं राम राज्य इसलिए उनका देश का नाम क्या था बोला अयोध्या अयोध्या बोला अयोध्या मतलब क्या मतलब नहीं जो था मतलब युद्ध जहाँ पर कभी युद्ध नहीं होता था जहाँ पर कभी युद्ध नहीं लड़ाई झगड़ा जहाँ पर नहीं था उसका नाम अवध अवध का मतलब क्या बोले जहाँ पर कोई बध मतलब मरता नहीं कभी वहां पर कोई नहीं मरता था इसलिए उसका नाम अवध अयोध्या राम राज्य हम कहते हैं ना ये राम राज्य उतर आया यहाँ तक भी राम राज्य में कोई पशु पक्षी भगवान राम पशु पक्षियों का बात को प्रभु राम समझते थे इसलिए एक कुत्ता बोलते ना एक कुत्ता भी आ गया उसको ब्राह्मण ने कुत्ता को मार दिया जा रहा था स्नान करने के लिए वो लेटा हुआ था रास्ता में कुत्ता को बोला हटा हटा वो हटा ही नहीं एक डंडा लिया मार दिया देखो मार दिया तो कुत्ता आकर के देखो उस समय एक कुत्ता भी कैसे सुखी रहता था कोई प्रॉब्लम हो तो प्रभु को बोलता था इसलिए राज दरबार बैठा हुआ राज दरबार में कुत्ता रो रो करके आया बोले प्रभु मेरा भी प्रार्थना सुन लो बोले बता भैया क्या हो गया बोले ये ब्राह्मण ने मेरे को मारा ब्राह्मण को बोला इधर आ तुमने कुत्ते को क्यों मारे बोले मैं स्नान करके आ रहा था शुद्ध होकर के ठाकुर का भजन पूजा करूंगा ये कुत्ता रोड के ऊपर सो रहा था मैंने कहा हट जा पटा ही नहीं इसलिए डंडा लेकर के मार दिया बोले तुमने जो मारा है ये अपराध है ये पाप है बोले बताओ कुत्ता इसको क्या दंड दे बोले कलिजर एक राज्य है देश है वो मंदिर का इसका पुजारी बना दो उसको बोले भैया तुमको मारा तू बोल तो वो मंदिर का पुजारी बना दो बोले पहले वो मंदिर का पुजारी मैं था बोले मंदिर का पुजारी मैं था बोले फिर बोले ठाकुर जी के लिए जो जो वस्तु आता था उसको देख कर कुत्ते को बड़े लोभ वृत्ति है इसलिए शास्त्र ने बताया कुत्ता अगर कोई चीज को खा देख ले वो भोग नहीं लग सकता है ठाकुर जी का नाम पर जो चीज आता था मैं उसको लोभ बुद्धि से मैंने देखता था लोभ बुद्धि में देखा और उसको मैंने अपहरण किया है और मेरे को कुत्ता बनना पड़ गया और उसको वहीं पर पुजारी बना फिर वो लोभ होगा तो फिर कुत्ता बन गया इसलिए प्रभु राम का समय में भी यहाँ पर शिक्षा देते प्रभु राम का समय में भी वहां पर कोई दुखी नहीं रहते थे वहां पर सबके सब वहां पर सुखी रहते थे मतलब राम राज्य ऐसे एक राज्य राम राज्य इसलिए यहाँ पर शंकर जी कह रहे हैं बोले रामम शरणम समस्त जगताम रामम विनाम का गति रामेण प्रतिहन्नत कलिमलम रामाय कार्यम नमः कहते भैया हम कहते हम कर दिया हम बोले हमको क्या करना क्या चाहिए बोले करना तो राम का कार्य करो कल हम सुन रहे थे ना कैसे श्री वो राजा क्या नाम रहा था सुमति और सत्यवती कैसे उन्होंने राम सेवा 24 घंटा अष्ट प्रहर कैसे राम सेवा करते थे अनजान में 9 दिन राम कथा सुन लिया तो क्या उनका ऐश्वर्य हो क्या उनको मिला केवल प्रभु राम कथा से इसलिए अनजान में प्रभु का राम कथा सुन लिया तो बोले कार्य करना बोले राम का कार्य करो बोले शरण जाना बोले प्रभु राम का शरण में जाओ बोले उनका शरण जाने पर क्या होगा बोले जो काल है बोले ये काल एक कराल ये काल एक सर्प है ये सर्प बन करके ये काल जीव को ग्रास कर रहा है अगर कोई राम कथा कोई सुनेगा तो उसका समय कभी बर्बाद नहीं जाएगा इसलिए श्री सुतो गोस्वामी कह रहे हैं सुतो गोस्वामी कहते हैं आयुर्हरति वै पुंसान उद्दन अस्तन च जनासो
सूर्य कैसे पूर्व दिशा में उदय होकर के पश्चिम दिशा में अस्त हो जाते हैं, सारे परम आयु हमारा नष्ट कर देते हैं। लेकिन जितने समय हम प्रभु राम की कथा में समय को बिताते हैं, प्रभु कथा में, उतना समय हमारा बच जाता है और सारे समय हमारी बर्बाद हो जाता है, सारे समय हमारा नष्ट हो रहा है, काल सारे समय को नष्ट कर रहा है। इसलिए यहाँ पर कह रहे जो कुछ करो सब कुछ प्रभु राम के लिए करो, जीवन तुम्हारी धन्य हो जाएगा। बोले श्री सियावर राम चंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, जय श्री राम हिताई गौर प्रेमानंदे। छोटा बजन काम का बोलान तो बजन चटपट बजन बजन का चटपट होगा। मनवा राधे राधे बजना, मन बोल बोल बड़े अनुमोल अपनी वाणी ने अमृत घो, अपनी वाणी ने अमृत घो, राधे राधे बोल Thank you.
कब प्रकट हुआ जगत में? बोले जैसे भगवान जगत में जब अधर्म बढ़ जाए और जगत में पापियों का, जगत में असुरों का अत्याचार होने लगे, तब तक प्रभु जगत में प्रकट होते हैं। जैसे भगवान मत्स्य रूप में अवतार लेकर भेद उद्धार किया, कूर्म रूप में प्रकट होकर के प्रभु उन्होंने अमृत निकले, और बरहा रूप में उन्होंने जगत को, पृथ्वी को उद्धार किया, नृसिंह अवतार में हिरणाक्ष को उन्होंने वध किया, हिरण्यकश्यप को वध किया। हाँ, ऐसे ही उसी तरह भगवान कहते ये कलि युग में भी भगवान किस रूप में प्रकट हुए, कहते जीव को उद्धार करने के लिए, कहते राम चरित्र ये मानस रूप में अवतरण हुए। इसलिए बोले ये ग्रंथ नहीं, ये ग्रंथ रूप में भगवान, जैसे श्रीमद् भागवत ग्रंथ उसमें जो द्वादश अध्याय है वो द्वादश अध्याय नहीं, ये भगवान का द्वादश अंग है। जैसे पद्म पुराण में बताया प्रथम द्वितीय स्कंद प्रभु का दो चरण है, तृतीय चतुर्थ स्कंद प्रभु का दो उरु है,
पंचम स्कंध नाभि, षष्ठ सप्तम स्कंध दो हाथ, अष्टम स्कंध बक्षस्थल, नवम स्कंध कंठ, दशम मुखारविंद, एकादश ललाट और द्वादश शिर। उसी तरह कभी जो तुलसी कृत जो रामायण में उसमें सात कांड उसमें कहते उसमें सात कांड में कभी जो बाल कांड है कभी भगवान का दो चरण है, कहते उसमें जो अयोध्या कांड बोली भगवान का ये कटी है, कहते उसमें जो अरण्य कांड है कहते भगवान का उदर है, बोले उसमें जो किष्किंधा कांड बोली भगवान का हृदय है, बोले सुंदर कांड बोले भगवान का कंठ, बोले लंका कांड बोले भगवान का मुखारविंद, बोले जो उत्तर कांड बोले भगवान का ये सिर है। इसमें उसमें जो सात कांड गोस्वामी ने लिखे बोले सात कांड नहीं ये भगवान का सात अंग है। इसलिए गोस्वामी जी तुलसीदास जी किसने पूछा बोले क्या लिख रहे हो, बोले मैं भगवत प्राप्ति का मैं सीढ़ी बना रहा हूँ, भगवत प्राप्ति का मैं सीढ़ी बना रहा हूँ। इसलिए कहते एक एक कांड नहीं और एक एक सीढ़ी है, अगर एक एक हम सीढ़ी में अगर हम चढ़ेंगे तो एक दिन हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगा, बोले ये कांड नहीं एक एक सीढ़ी है। कहते जो तुलसी कृत रामायण कब गोस्वामी जी ने प्रकट किया, जैसे भगवान जगत में जब जगत में पाप भर जाए तब भगवान प्रकट होते हैं, कहते उसी तरह कहते जब ये तुलसी कृत रामायण प्रकट हुआ कहते उसी समय हमारे भारत में उसी समय पृथ्वी के ऊपर में बड़े अत्याचार हो रहा था, बोले उसी समय कहते अकबर का राजत्व था, उस समय बोल रहे थे नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगा दिया मुसलमानों ने, बोले जहां पर 6 महीना तक ये ग्रंथ चलते रहा, 6 महीना तक सारे हमारे हिंदू संस्कृति समाप्त हो गया। हाँ, और उसी समय कहते माँ बहन हमारे जो भारत में जो हिंदू माँ बहन के ऊपर में बड़े अत्याचार हो रहा था, उस समय अत्याचार से लोग दुखी दुखी हो रहे थे, उस समय राजा राणा वो युद्ध करते करते थक गए थे उस समय, और उसी समय जयपुर के राजा अपना बेटी अपना देश को बचाने के लिए कहते अपना बेटी देश को बचाने के लिए उन्होंने मुसलमान राजा अकबर को साथ में जुदा को उन्होंने शादी करवा दिया, क्योंकि अपना देश को कैसे रक्षा करे। कहते उसी समय कहते गोस्वामी तुलसीदास ने उसी समय हमारे देश को रक्षा करने के लिए कहते उसी ग्रंथों को उसी समय उन्होंने इस ग्रंथों को उन्होंने बनाया है। इसलिए जैसे प्रभु रामचंद्र कब प्रकट हुए, बोले नवमी तिथि मधु मास पुनीता, नवमी तिथि में, कहते उसी तरह ये ग्रंथ भी गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा लिखे, बोले अयोध्या में उन्होंने ये ग्रंथ उन्होंने अयोध्या में लिखे हैं, और समाप्त कब हुआ, बोले राम नवमी का दिन समाप्त, जैसे भगवान प्रभु नवमी तिथि में प्रभु आए थे, माता सीता भी नवमी तिथि में, हनुमान भी नवमी तिथि में, बोले ये ग्रंथ भी नवमी तिथि में, ये ग्रंथ भी नवमी तिथि में ही ग्रंथ प्रकाशित किए हैं। हाँ, इसलिए ये ग्रंथ भी इस जगत में हमारे उद्धार करने के लिए ये ग्रंथ जगत में प्रकट हुए। इसलिए जो रामायण है कति गोस्वामी तुलसी कृत जो रामायण कति गोस्वामी तुलसीदास कौन है, तब बताए जो रामायण है कथे रामायण कथे ये सप्तकोटि रामायण, ये सप्तकोटि रामायण है। अभी रामायण सप्तकोटि बोले भैया सप्तकोटि रामायण को हम कैसे पढ़े, हाँ सप्तकोटि अपारा गोस्वामी तुलसीदास रामायण सप्तकोटि अपारा, बोले हमारे 100 साल तो भी जिंदा हम नहीं रहेंगे, फिर सप्तकोटि रामायण को पढ़ेंगे कैसे। तब इन लोगों ने फिर गए, हाँ इन लोगों ने फिर गए बोले क्या करनी चाहिए कैसे हम पढ़े, ले काम करो ये हनुमान जी, हाँ कहते श्री हनुमान जी ये राम के सबसे बड़े भक्त हैं, बोले श्री हनुमान जी को पास में चलो हम हनुमान जी से प्रश्न करेंगे, और हमको ये सप्तकोटि रामायण सुना है। जब हनुमान जी को पास में गए हनुमान जी ने कहा देखो ये कलयुग में कहते जो वाल्मीकि, हाँ कहते कलयुग में श्री तुलसीदास बन करके आएंगे,
और मैं ये तुलसीदास के हृदय में बैठ करके पूरा ये सप्तकोटी जो रामायण को हम एक ग्रंथ का हम महत्व देंगे। फिर तो ये सप्तकोटी रामायण हम तो पढ़ ही नहीं सकते हैं, यदि तुलसी करता रामायण अगर कोई पढ़ लिया तो सप्तकोटी रामायण उसको पढ़ना हो जाएगा। कभी से तुलसीदास बोले कहाँ जन्म लिए, बोले इन्होंने इनका जो जन्म है कहते चित्रकूट को पास में किसी गांव में गोस्वामी तुलसीदास जी जन्म लेते हैं। कहते किसी चतुर्वेदी कोई ब्राह्मण माता जी का नाम थी तुलसी, कहते उसको घर में ये जन्म लेते हैं। जब जन्म लेते हैं कहते उनका 32 वर्ष था जन्म समय में, क्योंकि वो साधारण व्यक्ति नहीं थे, उनका 32 वर्ष था। और जन्म में जैसे 5 साल का जैसे कोई बच्चा होता है, वो 5 साल का बच्चा जैसे उसको शरीर था, दांत था। अभी देख करके तो परिवार वाले डर गए, अगर कोई जन्म से दांत हो जाए तो बोले वही कहीं राक्षस ने जन्म नहीं ले लिया है। इसलिए उनका परिवार वाले तो डर गए, ये 5 साल का बच्चा जैसे दांत इसका है, अब क्या किया जाए। जब बच्चा जब 10 दिन हो गया, फिर उसको माँ ने, उसका एक दासी थी जिसका चुनी ना किया, दासी का नाम थी, उन्होंने उसको दे करके बोले मेरे इसको मेरे अपना पिहरे में पहुंचा दो। और दूसरे दिन ही उनको माता जी शरीर छोड़ दिया। शरीर छोड़ने पर अभी वो दासी ने उसको 5 साल तक पालन किया, उसको बाद में वो दासी भी शरीर छोड़ दिया, अभी वो तक तो निशाना हो गया। कहते माता पार्वती स्वयं आकर के वो बच्चे को उन्होंने लालन पालन किया। फिर उनको कुछ पुरोहित ने उनका नाम संस्कार करवाया। हाँ, कहते जब नाम संस्कार करवाया उसका नाम रखा राम बोला, उसका नाम रखा राम बोला। हाँ, कहते ये जन्म का समय में अब देखना हर बच्चे रोते हैं, जन्म का समय में देखना हर बच्चे जन्म होते ही रोता है, लेकिन ये बच्चा जन्म होते ही रोया नहीं। बोले जन्म होते ही सबसे पहले इसका मुंह से राम नाम निकला। हाँ, सबसे पहले इसका मुंह से राम नाम निकला इसके मुंह से। और इसका जब उपनयन ने संस्कार कराए, जब उनको ब्रह्म गायत्री देंगे, वो बोलने से पहले उसको ही पता ही था, बोले मेरे को पता है ये मंत्र है, क्योंकि ये और कोई नहीं कभी वाल्मीकि स्वयं अभी गोस्वामी तुलसीदास बन करके आए। और उन्होंने काशी विश्वविद्यालय में सब शास्त्र को उन्होंने अध्ययन किया, सारे ग्रंथों को इन्होंने अध्ययन किया। फिर उन्होंने ये रामायण को, जब उन्होंने तुलसीकृत रामायण, ये बहुत बड़े विद्वान थे, ये संस्कृत में लिखते थे, संस्कृत में गले मानस सरोवर में इनको काकभूषण जी से उनको साक्षात मुलाकात हुई, और काकभूषण जी से उन्होंने राम कथा को सुने, सुन करके संस्कृत भाषा में पहले उन्होंने कोशिश किया लिखने के लिए। ये आज देखते तक संस्कृत भाषा में जब आज लिखते थे, रात को रख लेते सवेर देखे वो संस्कृत भाषा है नहीं, जो रोज लिखते हैं दूसरे दिन ही वो देखते हैं वो गायब हो जाता है। फिर स्वयं शंकर जी इनका आदेश दिया, बोले नहीं कलयुग में जो जीव आने वाले वो संस्कृत उनको पता नहीं चलेगा, संस्कृत भाषा नहीं पढ़ सकते, इसलिए तुम इसी ग्रंथों को आप तुमने जो ग्राम्य भाषा में इसका जो हिंदी भाषा में ऐसे भाषा में लिखो जैसे उसमें सब भाषा रहे। अब पढ़ो ये तुलसीकृत रामायण, अब देखो सारी भाषा उसके अंदर हिंदी भी मिलेगा, बिहारी भाषा मिलेगा, सारा दुनिया की भाषा आपको ये तुलसीकृत रामायण में सारी भाषा उसमें मिला हुआ मिलेगा आपको। बोले साधारण भाषा में लिखो जिसको कलयुग का जीव इसको पढ़ करके लाभवान हो सके। इसलिए उन्होंने ये ग्रंथ को जब लिखे, अभी उसी समय संस्कृत के बगैर कोई भाषा को माना नहीं जाता था ये देव भाषा, इसलिए जितने ग्रंथ सब संस्कृत भाषा में लिखा हुआ था। अभी उन्होंने जब ये भाषा में ग्रंथ को लिखे, अभी पंडित लोग उसको मानने के लिए तैयार नहीं, बोले हम इसको नहीं मानते, हम ग्रंथों को नहीं मानते, हिंदी भाषा में इसका कोई प्रमाणित नहीं है। हाँ, फिर जब बोले प्रमाणित नहीं, फिर उन्होंने काशी विश्वनाथ जी का मंदिर में तुलसीकृत रामायण रख दिया। सबर देखा वो इसको ऊपर में लिखा हुआ सत्यम शिवम सुंदरम, और शंकर जी के हाथ की स्वयं उनको हस्ताक्षर था, उनका हस्ताक्षर शंकर जी का स्वयं ग्रंथ में हस्ताक्षर था, तब भी ये पंडित लोग मानने के लिए तैयार नहीं हुए।
अभी सारे ग्रंथों को रखा, वेद वेदांत उपनिषद सारे ग्रंथों को रखा, ये तुलसी ग्रंथ रामायण को एकदम नीचे रख लिया। जब नीचे रख लिया दूसरे दिन देखा ये तुलसी ग्रंथ रामायण सारे ग्रंथ का ऊपर में ग्रंथ रखा हुआ है, तो सब लोग ने चीज को स्वीकार कर लिया, ये शंकर जी की ये अनुमोदन है। इसलिए आप ये ग्रंथों को पढ़ो, ये शंकर जी ये स्वयं पार्वती को ये सारी कथा, शंकर जी ये माता पार्वती को ये सारी कथा को सुनाते हैं। कदि ये तुलसी कृतक बोल रहे हैं ये मेरे ग्रंथ नहीं, ये शंकर जी सुनाऊ उमा बताऊ अनुभव अपना सत हरि भक्ति जगत सब सुना। फिर कोशिश किया पंडितों ने, ये ग्रंथ का इतना प्रचार हो गया पंडित लोगों को मन में ईर्ष्या आ गया, बोले ग्रंथ को चोरी कर ले। फिर उन्होंने दो चोर को भेजा ये ग्रंथ को चोरी करने के लिए। जब दो चोर चोरी करने आए देखा ये तुलसी दास का छोटी सी कुटिया थी, स्वयं राम लक्ष्मण धनुष लेते हुए रक्षा कर रहे, घर के चारों तरफ में पहरादारी दे रहे, हाँ पहरादारी दे रहे थे। अभी इसको देख करके दोनों चोरों ने देखा भैया इनका तुलसीदास का बड़े सुंदर दो चेले हैं, और देखते हैं भैया सारा शरीर में हीरे जवाहरात असरफियों से श्रृंगार है, अगर ये भी सो जाएगा ना ग्रंथ भी चोरी कर लेंगे और इनका सारे अलंकार भी चोरी कर लेंगे। रात भर दोनों चोर रात भर जगते रहे, लेकिन ये दोनों बालक रात भर सोए नहीं, रात भर धनुष लेकर के राम और लक्ष्मण उनका घर बचाने तरफ पे पहरा दे रहे थे। सवेरे होते दो चले गए, लेकिन प्रभु का स्वरूप देख करके इतने मुग्ध हो गए थे, इतने लुभा गए थे। फिर आए आकर एक गोस्वामी तुलसीदास जी को बोले, बोले रात को हमने आपका ग्रंथ चोरी करने आए थे, लेकिन देखा आपका दो चेले एक श्याम रंग के और एक गौर रंग के दो सुंदर बालक आपका धनुष लेते हुए आपका घर का चारों तरफ में रखवाली कर रहे थे, अब वो दो चेले कहाँ गए। गोस्वामी तुलसीदास सुन कर दोनों चोर चरण में गिरे, बोले भैया जिसको भजन करते करते मैं अभी तक दर्शन नहीं कर पाए और तुमने चोरी करने के लिए आए और प्रभु को दर्शन कर लिया, हाँ भैया हमने तो कोई चेले जिंदगी में बनाया नहीं। फिर वो दोनों चोरों ने भक्त बन गए, हाँ दोनों चोरों ने भक्त बन गए। कहते गोस्वामी तुलसीदास ने जब शादी की बड़ी सुंदरी एक लड़की सब साथ में ब्राह्मण घर के, ये ब्राह्मण घर के थे, उनका पत्नी देखने में बड़ी सुंदर थी, उनके शादी हुई। जब शादी हुई पत्नी तो बड़े देखने में सुंदरी, पत्नी का प्रति बहुत आसक्त थे, हाँ आसक्त थे। अभी उसकी पत्नी गई पीहर, जब पीहर गई वो भी उसको पीछे पीछे चले गए, एक दिन भी पत्नी को छोड़ना नहीं चाहते थे, इतने आसक्त थे पत्नी के ऊपर, उसको पीछे पीछे चले गए पीहर। जब चले गए पत्नी ने बोली मैं पीहर आया तो भैया का साथ में तुम भी पीछे पीछे आ गया, एक दिन के लिए मेरे को भूल नहीं सकते हो। पत्नी ने बड़े डांट लगाई, बोले तुमने ये टाटी पेशाब थली उसको ऊपर के चमड़ा और तो कुछ है नहीं, और इसको प्रति तो इतने आसक्ति हो तुम, हाँ अगर इसका थोड़ी सी आसक्ति अगर तुम भगवान का चरण कर देता तेरा बड़ा ही उभार पार हो जाता। उन्होंने ऐसे कड़ी वचनों से सुनाई, सुन करके उसका दिल में ऐसे ठेर से पहुंचा, सचमुच से उन्होंने सब छोड़ दिया, उसी समय सब छोड़ दिया। इसलिए जितने भक्तों देखो बहुत सारे भक्त बिल्लो मंगल वो भी पहले चिंतामणि का प्रति बड़े आसक्त था, इतने चिंतामणि का प्रति उसका आसक्त था, पिताजी की हाँ श्राद्ध है, देर हो गया तो रात में बारिश हो रहा है उसमें भी पत्नी को बात में गया, चिंतामणि को पास में और नदी पार होकर एक मुर्दा को उन्होंने मान लिया ये कोई लकड़ी है, एक सांप को मान लिया रस्सी, इतने उसका प्रति आसक्ति हो गया। लेकिन चिंतामणि के उपदेश से पाकर उसका भी जीवन उद्धार हो गया। चंडीदास इनका भी जीवन देखो वो भी एक धोबिनी का प्रति आसक्ति हो गई थी, वो धोबिनी रोज कपड़ा साफ करती थी और ये बहाना बना कर क्या करते थे उसको पास में जो मछली पकड़ते ना बंसी में, बंसी होता है ना मछली पकड़ता है, ये बहाना बना करके उसको साथ में कैसे प्रेम करे कैसे प्रेम करे उसको पास में जाकर बंसी फेंकता था। वो धोबिनी तो समझ गई ये मेरे प्रति आसक्त है और ये बहाना बना करके बंसी फेंकता है।
जब बड़ा दिन हो गया वो बात नहीं कर रही है। अभी इतने में एक दिन पूछा, बोले क्यों चड्डीदास इतने दिन से तुम बंसी फेंक रहे हो मछली के लिए, कोई मछली पकड़ में आ रहा है कि नहीं, इतने दिन से बंसी फेंक रहे हो। बोले इतने दिन के बाद बाद में मछली ने थोड़ी सी मुंह मारा है। इतने दिन के बाद फिर देखो वो चंडीदास फिर कितने बड़े भक्त बनाए, कितने बड़े उन्होंने संत बनाए। देखो जब तक ये संसार में इसका आसक्ति नहीं हो ना, भगवान के चरण में क्या लगाओगे? अगर तुम्हारी कोई आसक्ति नहीं हो हाँ, फिर तुम ठाकुर के चरण में क्या लगाओगे? जब ये संसार प्रति तुम्हारी आसक्ति है, जैसे नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, बोले ठाकुर ने जो काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य दिया, ये ठाकुर ने दिया ये सब चीज को, दिया किसने? भगवान ने दिया है हाँ? अगर जगत का प्रति किसका प्रति प्रेम नहीं, वो प्रेम को फिर ठाकुर के प्रति नहीं लगा सकते। इसलिए शुष्को वैराग्य नहीं, जिसका हृदय शुष्क वो भगवान की भक्ति नहीं कर सकता है, जिसका हृदय रस है वो भगवान की भक्ति कर सकता है। इसलिए बोले काम, बोले भगवान दिया काम, ठाकुर को सेवा में लगा, बोले क्या? बोले ठाकुर के लिए बढ़िया बढ़िया रसोई बना, ठाकुर के लिए सब्जी बना, ठाकुर का मंदिर बना। गोपियों ने काम को द्वारा तो गोपियों ने भगवान को पाया, अगर गोपियों के हृदय में काम नहीं होता तो कहां काम को लगाते? उनके हृदय में काम था तब तो भगवान को प्रियतम माने, तब तो भगवान उसको मिले। अगर काम नहीं होता तो कहां लगाते बताओ? अगर नहीं हो तो लगाओ कहां पर? हाँ, इसलिए बोले काम को भगवान का कर्म में अर्पण कर दो हाँ? उनको सेवा में लगा दो। बोले काम क्रोध को, बोले नरोत्तम दास ठाकुर बोले क्रोध को, बोले हनुमान को देखो लगाया ना, लंका में जला दिया मेरे प्रभु सीता को, तुमने चोरी किया लंका जला दिया। बोले लोभ को, बोले साधु संघ में हरि कथा में लगा, लोभ है तब तो हम यहाँ तक आए, तब तो कथा में बैठे, अगर लोभ नहीं होता तो हम बैठते नहीं। बोले मोह को, बोले भगवान की गुणगान में लगा दो, हर चीज को हमें लगा दो। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास उन्होंने वो जो मोह था पत्नी का प्रति, वो मोह को उन्होंने उठाया और पूरा उन्होंने राम का चरण में लगा दिया, बस बेड़ा पार हो गया। इसलिए हमें हर चीज को हमें ठाकुर जी को सेवा में लगा देनी चाहिए। जब उसको बाद में गोस्वामी तुलसीदास जी बोले तुलसीकृत रामायण में उन्होंने श्री गुरु जी को चरण की उन्होंने वंदना की है हाँ? इसलिए गुरु जी का चरण को वंदन करते बंदम गुरु पद पदम परागा, इसलिए गुरु जी का चरण को उन्होंने उदाहरण दिया है, ये कमल है। हम कहते ना निताई पद कमल कोटि चंद्र सुशीतल, यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास उन्होंने श्री गुरु जी के चरण की उन्होंने वंदना करते हैं। बोले बिनु गुरु भवनिधि तरे न कोई जो बीच शंकर सम होई, इतने बड़े बात कहते हैं, कहते ब्रह्मा शंकर जी के बराबर कोई हो जाए, इतने बड़े बात। अगर कोई जीवन में सदगुरु का चरण आश्रय ग्रहण नहीं करता है, कहते भव सागर वो कभी पार नहीं हो सकता है। इसलिए हमारे भगवान राम जी देखो उनका गुरु कौन है? वशिष्ठ जी। इसलिए राम चरित्र में पूरा देखिएगा, प्रभु राम कोई काम करने से पहले अपना गुरु जी को पास में जाते हैं, प्रश्न करते हैं, गुरु जी मुझे क्या करनी चाहिए हाँ? मेरे को क्या करनी चाहिए? हर काम से पहले भगवान है, लेकिन प्रभु राम वशिष्ठ को परामर्श से सारे काम करते हैं। इसलिए पहले सबका गुरु होता था, जगत में बगैर गुरु के किसी को नहीं देखते थे। हमारा गांव में एक नियम था, हमारे गांव में नियम था, शादी से पहले जब तक कोई गुरु करण नहीं करेगा तब तक शादी नहीं कर सकता है। हमारे गांव में यह नियम है, एक कुलो गुरु है हमारे देश में, वो आता था शादी से पहले, उसको गुरु करना कान में महामंत्र बोलता था हाँ? इसलिए पहले करेगा उसको बाद में शादी होगा, पहले ये प्रथा चलते हुए आया है हाँ? इसलिए क्योंकि गुरु के बगैर ज्ञान नहीं होता, और गुरु करता है क्या हमें ये संसार में, भक्ति जगत में संसार में हमको कैसे रहनी चाहिए, हमारे रहन सहन कैसे होनी चाहिए। इसलिए पहले देखो जगत में सब सुख शांति था, अभी जगत में अशांति का कारण क्या? किसका गुरु है नहीं? जितने बड़े बड़े सब मंत्री है,
उनको कोई गुरु ही नहीं, उनको अच्छे रास्ता पर कौन चलाएगा, गुरु ही चलाएगा। इसलिए जितने बड़े बड़े राजा का जीवन देखो, ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, अम्बरीश महाराज, भरत महाराज, जितने बड़े बड़े महाराज देखो, सबका गुरु जी है। उनका राज्य में इतना सुख शांति क्यों था, बोले गुरु जी को आदेश पर चलते थे। गुरु जी करता है क्या, वो पहले तो भजन का उपदेश देगा, भक्ति का उपदेश देगा। इसलिए संपूर्ण प्रजा भी, हाँ प्रजा भी भगवत भक्तिमय जीवन था, भगवान की प्रेममय जीवन था। इसलिए राजा भी भजन करता था और सबको उन्हें भजन करवा देते। इसलिए जीवन में और देश में बड़ा शांति, बड़ा आनंद था। इसलिए यहाँ पर श्री गुरु जी को वंदना करते हैं। गुरु जी की वंदना करके फिर उन्होंने कहते नाम की वंदना उन्होंने की है। यहाँ पर उन्होंने कहते नाम की, गोस्वामी जी ने नाम की वंदना उन्होंने जितना की है और किसी का वंदना इतना नहीं है। यहाँ पर उन्होंने करीब 72 यहाँ पर प्यार में उन्होंने केवल नाम वंदना वहां किया उन्होंने, और किसी की इतने महिमा नहीं। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ग्रंथ का नाम नाम पुराण रखा है। तुलसीदास रामायण तो है ही है, हाँ, ये रामचरित मानस तो है ही है, हाँ? इसका नाम एक है नाम पुराण। बोले नाम की महिमा उन्होंने विशेष विशेष करके गाए है, 72 प्यार में उन्होंने गाए है। क्या बोल रहे हैं, बोले कलयुग के बल नाम आधारा, कलयुग के लिखे उसमें जो श्लोक है तो 1,00,000 श्लोक है। अभी जो रामायण लिखे, अभी तो रामायण को लेकर लड़ाई हो गया। अभी देवता लोग बोलते भैया ये रामायण हमें मिलनी चाहिए, हमारा प्रॉपर्टी होनी चाहिए। दैत्य लोगों ने भैया बोले हमारा हमारे ग्रंथ है ये, हमें मिलनी चाहिए। अब जो इंसान थे बोले भैया ये ग्रंथ हमें मिलनी चाहिए। तीनों में लड़ाई, जब तीनों में लड़ाई बोले ग्रंथ पर अधिकारी कौन बनेगा। बोले देखो एक काम करो, चलो जिनका ग्रंथ उनको पास में चलो, वो इसका व्यवस्था करेंगे। बोले ग्रंथ किसका, किसने बनाया, बोले शंकर जी। कहते शंकर जी ग्रंथ है क्योंकि रामायण उन्होंने पहले अपना हृदय में उन्होंने रचना करके रखी, हाँ, फिर उन्होंने पार्वती को सुनाया। इसलिए कहते ग्रंथ है श्री शंकर जी का ग्रंथ है, इसलिए शंकर जी को पास में चलो। अभी तीनों अभी शंकर जी को पास में गए, शंकर जी ने कहा ठीक है बंटवारा कर देता हूँ। उसमें 1,00,000 श्लोक है, बोले उसको तीनों को बंटवारा कर दो, कितना कितना बढ़ेगा। 1,00,000 को 30,000 हाँ 30,000 हो गया, तो अभी कितना बच गया, 10,000 बच गया। बोले उसको बांटो, बोले उसको 3,000 कर दो, फिर बच गया 1,000। फिर 1,000 को उसको 3 भाग कर दो, 300 हो जाएगा, बच गया 100। बोले 100 को फिर बांटो, 3 भाग कर दो, फिर इसमें 30 हो जाएगा, हाँ, फिर बच गया 10। बोले 10 को बांट दो, फिर हो जाएगा 3, 3, 3, 3, फिर बच गया 1 श्लोक बच गया। बोले 1 श्लोक में कहते ये अनुष्टुप छंद है, 1 श्लोक में उसमें होता है, 1 श्लोक में होता है, 1 श्लोक में अखर होता है, कितना होता है, 8, 8, 16, 8, 8, 8,
आठ बत्तीस बत्तीस उसमें अक्षर बत्तीस से अक्षर है हाँ आठ चौक बत्तीस से अक्षर है बोले उसको बांटो एक श्लोक को बांट दिया तो उसको बांटते बांटते बत्तीस में कितना दस 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 अक्षर चला गया केवल उसमें दो अक्षर बच गया। शंकर जी ने कहा भैया परिश्रम मैंने इतना किया इतना परिश्रम हमने किया है इसलिए भैया मेरे को तो कुछ तो मिलनी चाहिए कम से कम हाँ इसलिए भैया जो दो अक्षर बच गया मेरे को देते बोले क्या बच गया दो अक्षर बोले राम रोमा हाँ बोला कृष्ण राम होने तक कृष्ण के लिए दो अक्षर बच गया अभी ये दो अक्षर मेरे को दे दो इसलिए शंकर जी अपना कंठ में ये दो अक्षर को उन्होंने कंठ में धारण कर लिया इसलिए गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं बोले मोहा मंत्र जोई जपे त महेशा मोहा मंत्र जोई जपे त महेशा मोहा मंत्र जोई जपे त महेशा काशी मुखी हे तो काशी मुखी हे तो शंकर जी कहते पंचमुख है राम नाम दान त्रिपुरारी शंकर जी पंचमुख में हर समय प्रभु राम के नाम भगवान कृष्ण का नाम शंकर जी पंचमुख में दान करते हैं इसलिए गोस्वामी थे तुलसी उन्होंने नाम की महिमा को वर्णना करते करते इतने नाम की महिमा यहाँ वर्णना किया बल अभी तक जिन लोगों ने भगवत प्राप्ति किया है केवल ये नाम की महिमा को द्वारा भगवत प्राप्ति किया केवल नाम की महिमा को द्वारा उन्होंने एक एक उदाहरण दिया बोले ध्रुव जी को सत्य युग में देखो फर्ज को उदाहरण दिया बोले सत्य केवल ये कलयुग में नाम की महिमा कहते नहीं ये हर युग में ये नाम की महिमा है बोले ध्रुव जी को कैसे भगवत प्राप्ति हुई बोले ओम नमः भगवते वासुदेवाय 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 भगवान वासुदेव का नाम उन्होंने लिया है प्रहलाद महाराज भी देखो पिताजी ने प्रश्न किया बोले तेरे बुद्धि को किसने बिगाड़ा किसने तेरे को ये प्रभु का भक्ति सिखा दिया बोले श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य सख आत्म निवेदन उन्होंने भी श्रवणम कीर्तनम वहां भी कीर्तन भक्ति की बात बताई हाँ वहां पर भी प्रहलाद महाराज पूरा बच्चों को ले लिया उन्होंने इतने बढ़िया बढ़िया उपदेश दिया बच्चों को बोले बच्चों कौमार आचरते प्राज्ञम जो बुद्धिमान व्यक्ति वो तो पांच साल से भजन शुरू कर देगा बोले प्रहलाद पांच साल में क्यों जब जवान बन जाए तब करे ये बचपन से करने का क्या जरूरत जवान बन जाए तब करे बोले तेरे पास में कोई गारंटी कार्ड है जवान बनने तक जिंदा रहोगे गारंटी कार्ड तेरे पास में रखा हुआ अगर उसको पहले ही राम नाम सत्य हो गया तो अगर राम नाम सत्य हो गया फिर अगले जीवन में कर लेंगे अगले जीवन में भजन में कर लेंगे प्रहलाद महाराज नहीं बोले दुर्लभ मनुष्य जन्म ये मानव शरीर हाँ ये मानव शरीर लाख चौरासी भ्रम के ये नरक दही इसलिए चौरासी लख जोनि को बाद में मानव शरीर मिला हाँ अगले जीवन में मानव जन्म का कोई गारंटी नहीं इसलिए जो भक्ति ये बचपन से करनी चाहिए इतने बढ़िया बढ़िया उन्होंने उपदेश दिया बोले बच्चों जीवन में कोई दुख नहीं चाहते हम क्या करते हैं भजन के लिए हमारा समय कहाँ है हम पैसा कमाना काम धंधा करना इसमें हमारे पास में समय कहाँ है हम तो यही बोलते हैं ना भजन के लिए पैसा भजन के लिए समय नहीं सब काम के लिए समय है तब प्रहलाद महाराज उदाहरण दिया बोले बताओ जगत में कोई दुख चाहते हैं क्या जगत में कोई दुख को निमंत्रण देता है नहीं देता है लेकिन बगैर निमंत्रण के दुख अपने आप दुख आता है
बिना निमंत्रण के आता है, उसी तरह भाग्य में शुभ रहेगा, आएगा जरूर। हाँ, भाग्य में जो आएगा, तो उन्होंने एक बहुत बढ़िया श्लोक बताया, मतलब भगवत भक्ति को द्वारा जितना जीव को शांति सुख प्राप्त हो जाता है सकता है, इसलिए बच्चों और किसी उपाय को द्वारा जीव इतना सुख नहीं प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, इसलिए बच्चों भगवान की भक्ति करो। तो बच्चों, ये जगत में आप किसी को सुखी नहीं कर सकते हो, हम तो दूसरों को सुखी करने के लिए सारा जीवन लगा देते हैं। बोले बच्चों, जगत में तुम किसी को भी सुखी नहीं कर सकते, सारा जीवन लगा दो, थोड़ी सी अगर त्रुटि भी हो गया, बोले मेरे लिए तुमने क्या किया। लेकिन बच्चों, भगवान इतने दयालु, तुम्हारे पास में कुछ नहीं, कहते केवल मन मन में मानसिक रूप में मन को द्वारा अगर ठाकुर को कोई वस्तु दे दो, ठाकुर जी खुश हो जाएंगे, उसमें ही प्रसन्न हो जाएंगे, इतने ठाकुर जी दयालु। प्रहलाद ने कहा, देखो बच्चों, बढ़िया जो चीज है ना, अकेले अकेले नहीं खानी चाहिए, सबको बांट कर खानी चाहिए, प्रसाद बांट कर खाओ। देखो, जो भगवान का जो नाम भक्ति है, अकेले नहीं, चलो पूरा शहर शहर में गांव गांव में हरि कीर्तन करेंगे। एक प्रहलाद था और सबको उन्होंने प्रहलाद बना दिया, सब उठाया मृदंग मजरा और पूरा अली गली में बोले हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे महिमा लिखे, भले राम ना सके हुए राम गुण गाए, यहाँ तक बताए, भले नाम की इतने महिमा है, राम भी स्वयं कहते नाम की महिमा को प्रभु राम भी नहीं बता सकते, इतने महिमा प्रभु राम की, लिखते लिखते फैल कलम है राम की, नाम की महिमा गाते गाते एक एक उन्होंने उदाहरण दिया है। अगर नाम की महिमा सुनेंगे तो ये सात दिन उन्होंने जो उदाहरण दिया, ये सात दिन भी नाम की महिमा गा गा कर खत्म नहीं होगा, इसलिए उन्होंने नाम की महिमा बताई ग्रंथ में। हाँ, अभी कहते एक समय कहते श्री शंकर जी बोले एक बार त्रे दया युग माहे, एक बार त्रे दया युग माहे, शंभो गए Oh,
समय भगवान शंकर जी अपना पत्नी सती पार्वती के साथ में कहां गए, बोले तृतीय युग में वो कैलाश छोड़कर कहां गए, बोले जहां पर श्री अगस्त ऋषि जहां नर्मदा नदी के किनारे में बैठे हुए प्रभु राम की कथा सुनने गए। क्योंकि यहाँ पर गोस्वामी जी बहुत बहुत हम लोगों के लिए, क्योंकि रामायण बड़े इसमें शिक्षा शिक्षा की बात इसमें यहाँ पर शिक्षा देते हैं, बोले कहाँ से कहाँ तक गए, बोले ये कैलाश अच्छे कैलाश कितना दूर है, हाँ कैलाश से वो चलते 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 आए कुंभज ऋषि जहाँ पर अगस्त ऋषि इतना दूर तक सफर उन्होंने किया। शिक्षा देते हैं कथा कथा सुनने के लिए जितने दूरी भली हो हमको कथा सुनने जानी चाहिए, उसमें भावना की जरूरत है। अगर कथा घर को पास में हो रही है अगर भावना नहीं यहाँ पर टीवी देखते रह जाएंगे हम टीवी देखते रह जाएंगे लेकिन कथा में नहीं जाएंगे हाँ। लेकिन अगर भावना हो, लेकिन शंकर जी कोई साधारण नहीं, बोले रामायण को लिखने वाले कौन है, बोले स्वयं रामायण लिखने वाले वो स्वयं है शंकर जी हाँ। वक्ता श्रोता दोनों हैं, लेकिन गए कहाँ से कितने दूर से चलते चलते शंकर जी इतने दूर तक कथा सुनने के लिए। यहाँ पर शिक्षा देते हैं भावना हृदय में हो फिर दूरी दूरी नहीं लगता है, दूर तो पास हो जाता है। अगर भावना नहीं हो तो पास में हो भी तभी हम कथा सुनने जाते। लेकिन कौन गए, यहाँ शंकर पार्वती जा रही कथा सुनने के, व्यक्ति नहीं जो स्वयं सारे ग्रंथ को रचना करने वाले वो कथा सुनने के लिए वो जा रहे हैं। वो शिक्षा देते हैं भगवत कथा की बड़ी महिमा है, हम कल सुनते सुनते आए हाँ कथा की कितने महिमा है, गोपियां तो बुरी बुरी महिमा बता रहे हैं। कथा जिस जगत में इतने दुर्लभ वस्तु जगत में कुछ नहीं, इसलिए सतत संगति दुर्लभ संसारा कहते पार्वती हरि कथा जगत में दुर्लभ। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं हाँ साधु संग सत संगति और कथा तुलसी दुर्लभ दोए हाँ जगत में ये दो चीज की दुर्लभ है, भगवती कथा और कहते संतों का संग है, ये दो चीज दुर्लभ है, दोनों इतने दूर तक आए। अभी प्रश्न किसको पास में आए, कहते कुंभज ऋषि, कुंभज मतलब तो कलसी से जन्म हुई, अगस्त ऋषि का जो जन्म हो कलसी से हाँ मतलब वो साधारण व्यक्ति, लेकिन शंकर जैसे व्यक्ति एक साधारण व्यक्ति को पास में कथा सुनने आए। यहाँ पर शिक्षा देते हैं भगवत जो कथा की इतने महिमा है, छोटे से छोटे व्यक्ति अगर कथा बोल रहे कथा को सुनो, अगर बड़े से बड़े व्यक्ति बड़े इज्जतवार लेकिन कथा नहीं बोल रहा है दुनिया की बात कर रहे हैं जरूरत नहीं छोड़ो उसको छोड़ो। अगर छोटे से छोटे व्यक्ति जैसे भागवत देखो सुत गोस्वामी को सौनकादि ऋषि लोग प्रश्न कर रहे हैं तो प्रभुपाद वहां पर टीका में कहते हैं बोले कथा प्रश्न कौन कर रहे हैं, बोले सौनकादि ऋषि या ऋषि है, बोले प्रश्न कर रहे हैं किसे, बोले सुत गोस्वामी से, बोले सुत मतलब क्या है, महाभारत देखे होंगे भीम और अर्जुन हाँ श्री कर्ण को सुत पुत्र टोटी करते हैं, तू क्या बोलेगा सुत पुत्र तू मतलब जो सारथी है सुत मतलब सारथी रथ चलाने वाले, बोले तू क्या बोले सुत पुत्र तेरा क्या अधिकार है यहाँ पर छोटे जाति में जन्म लेता है, इसलिए सुत गोस्वामी को प्रश्न सौनकादि ऋषि लोग कर रहे मतलब जाति पाति पूछना कोई हरि का बोले जासो हरि का होई हाँ। इसलिए श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं जय भजे सही गौरव अभक्त ही विचार कृष्ण भजने नहीं जाती कुलादि विचार, कृष्ण भक्ति में जाति कुल का कोई विचार नहीं, हनुमान कौन से जाति में, सबरी कौन से जाति में, गुह चंडाल कौन से जाति में, गरुड़ कौन से जाति में और जांबवान कौन से जाति में, सुग्रीव कौन से जाति में, विभीषण कौन से जाति में, सब छोटे छोटे कुल में जन्म हुई भगवान हाँ। इसलिए शंकर जी कुंभज ऋषि के पास में आए और एक शिक्षा देते हैं, बोले कैसे आए, बोले अकेले नहीं आए, बोले पत्नी को साथ पत्नी को साथ में आए कथा सुनने के लिए, बोले भैया पत्नी को साथ में क्यों कथा सुनने के लिए आए, यहाँ पर शिक्षा देते हैं बोले दोनों कथा सुनने के लिए आओ अकेले नहीं हाँ अकेले नहीं, बोले क्यों अकेले नहीं कथा सुनने के लिए, अगर अकेले आओगे अगर पति कथा में आया
अगर कथा सुनकर घर में जाएगा ना, अरे कोई काम धाम नहीं, दिन भर कथा 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 कथा, बच्चों को पढ़ाना, घर का काम धंधा करना, ये करना, सो करना, सो करना, दिन भर बाबा को साथ में घूमते रहते हैं, कोई काम धाम नहीं, हाँ घर का काम धाम देखना नहीं। अगर पत्नी अकेली आएगी तो, अगर पत्नी घर में जाएगी, पति क्या बोलेगा, दिन भर बाबा को चक्कर में पता नहीं कहाँ कहाँ घूमते रहते हो, घूमते रहते हो भाई, बाबा को साथ में कोई काम धंधा नहीं, हाँ हाँ इनको चक्कर में पड़ करके बर्बाद, कहाँ कहाँ घूमते रहती हो, इतना समय क्यों बीता तुमने, क्या कर रहे थे इतना समय तक। फिर पत्नी को डांट पड़ेगी, हाँ पति को डांट पड़ेगा दोनों। इसलिए यहाँ पर शंकर जी जब कथा सुनने के लिए आए, वो पति पत्नी दोनों कथा सुनने के लिए आए। जब दोनों कथा सुनने के लिए आएंगे, फिर घर में कोई द्रोह नहीं रहेगा। अब कहीं बंगाल में कहीं हमारा उधर चमेटर के होता है, पति भजन नहीं करता, पति करता, पति भजन, घर में महाभारत है, दोनों में इतनी लड़ाई, इतनी लड़ाई घर में, हाँ महाभारत चलता है, रुचि और एक तो रुचि नहीं। इसलिए शंकर जी जब कथा सुनने आएगी, शिक्षा दे रहे हैं दोनों कथा सुनने के लिए। आप देखो, एक संत कथा सुना रहे थे, कभी एक राजा बड़े सत्संगी था, बड़े सत्संगी राजा, कहीं भी हरि चर्चा होता था वो राजा कथा सुनने जाता था, लेकिन रानी को इतने कथा में रुचि नहीं, रानी को भजन में रुचि नहीं। अभी अभी जो कथा सुनेगा, स्वाभाविक रूप में कथा सुनने पर ठाकुर का चरण में धीरे धीरे प्रेम बढ़ेगा, कथा सुनेगा तो ठाकुर के चरण में प्रेम बढ़ेगा ही, उनका प्रीति, कथा के बगैर जीव को कभी भी भक्ति में रुचि हो ही नहीं सकता है। जो कथा नहीं सुनता है उसका भक्ति भक्ति नहीं है, वो कमी उसमें है। इसलिए नौ तरह का भक्ति का जो प्रथम भक्ति वो श्रवण बताया, उसको बाद में कीर्तन, पहला भक्ति श्रवण है, हाँ? इसलिए जो कथा नहीं सुनेगा अभी, वो जो राजा जब कथा सुनता है भगवान की भक्ति में प्रेम रुचि है, प्रभु का नाम करता है, कीर्तन करता है भक्ति, लेकिन रानी कथा नहीं सुनती, उसको विषय में भोग, विषय की भावना, दिन भर फिल्म सिनेमा नहीं ले जाते, घुमा भक्ति करते दिन भर। अभी राजा अभी कथा सुनते सुनते उसको, अभी साधु संत ठाकुर का प्रति प्रति, रानी तो परेशानी, ये दिन भर राजा जहाँ कथा वही भागता रहता है, वो कथा सुनता हमको, हमको पूछता नहीं, देखता नहीं, हमारे लिए साड़ी सेंट पाउडर लाकर देता है, ये दिन भर कर। उसने सोचा कि जो साधु के पास में कथा सुनता है, ये साधु को मैं बदनाम करा दूं, फिर तो साधु का प्रति उसका निष्ठा है, वो साधु का प्रति मैं बदनाम करा दूंगा, फिर तो बस गड़बड़ी हो जाएगा। उसने एक घर के जो एक एक तो दास, उसको और कोई वेश्या जैसी थी, उसको उन्होंने संग्रह किया, संग्रह करके देख एक काम करना पड़ेगा, तेरे को मैं बहुत पैसा दूंगा, बोले क्या करना, बोले राजा जब भरी सभा में बैठा हुआ होगा, जब कथा भर में बैठा हुआ होगा, जो कथा सुनाता है, तुम जा करके भरी सभा में बोल देना, बोले पाठक जी आप मेरे जो गर्भवा मेरे पेट में जो बच्चा तुमने करवा दिया, मेरे पेट में तुमने जो बच्चा करा दिया, अब इसका क्या होगा, कौन देखेगा इसको, पेट में जो बच्चा करवा दिया उसको कौन देखेगा, केवल इतना ही बात भरी सभा बोल देना, हाँ बस तुमका इतना हम स्वर्ण दान देंगे, छोटी घर की बोले इतना अगर स्वर्ण दान मिलेगा अच्छी बात है, भरी सभा में हरी कथा हो रही है, भरी सभा में उसने खड़ी होकर बोले पाठक जी महाराज जी आप जो मेरे इसको जो पेट मैंने बना दिया, अभी इसका भविष्य तो क्या होगा, सबको पता है ये साधु त्यागी, इसको पता है ये साधु त्यागी है, इसको तो कहीं से कोई मतलब नहीं, ये तो भजनानंदी, इसलिए सब लोग श्रद्धा भक्ति से कथा सुनते हैं। लेकिन वो जो संत वो भी बड़े साधारण नहीं, वो बड़े पहुंचे हुए संत, वो भी चुप हुए, उन्होंने कुछ भी नहीं बोला, लेकिन सारा दुनिया के लोग तो सुन सुन दम हो गई, कैसे साधु, लेकिन राजा समझ गया ये दाल में कुछ काला है, हाँ ये दाल में कुछ काला है। तब राजा जब घर में आया, उसको बुलाया, दासी को तलवार लेकर बोले सच सच बता, तुमने जो संतों को बीच अपमान किया, क्या कारण है, नहीं तो तलवार देख सिर काट दूंगा तेरा, बताओ क्या बात है, वो तो कांप उठे राजा का आदेश है, मार डालेगा, वो डर गए, डर करके उन्होंने एकदम सारी बात ऐसे, अब कह रानी ने मेरे को पैसा दे करके, गरीब नहीं हूँ, मेरे को पैसा दे करके जोर जबरदस्ती ये बात मेरे को कहलवाया, इसलिए ये बात मेरे को कहलवाया। इसलिए यहाँ पर शिक्षा देते, देखो
राजा पत्नी को वो बाबा संतों के पास में राजा माफी मांगने के लिए आए, तब संत ने कहा राजा तुम्हारा कुछ कमी बल क्या है, बोले तुम अकेले आते हो, तुम रानी को साथ में कथा में नहीं लाते, अगर रानी अगर कथा में आती, दोनों अगर कथा सुनते तो दोनों को कथा में प्रेम होता, कथा में रुचि होता, फिर दोनों में लड़ाई नहीं होगा क्योंकि दोनों में भक्ति में रुचि है, फिर दोनों दोनों को मदद करोगे, फिर भक्ति तुम्हारी बढ़ेगी, ये तुम्हारी कमजोरी तुमने अपना पत्नी को साथ में लिया। यहाँ पर शंकर जी अकेले कथा में नहीं आए, किसको साथ में आए, श्री पत्नी को साथ में आए, जो पत्नी को साथ में आए यहाँ पर एक और एक शिक्षा दे रहे हैं, जब आए कहते यहाँ पर पूज्य ऋषि अखिले स्वरजानी, जो ऋषि अगस्त जिसको पास में कथा सुनने आए थे वो शंकर जी को अखिलेश्वर मान करके पूजा किया, शंकर जी को पूजा किया। देखो जो श्रोता सुनने के लिए आए, जो वक्ता है वो श्रोता को पूजा कर रहा है, यहाँ पर शिक्षा देते हैं कि ये कभी ये मत नहीं सोचो वो जो ऊपर बैठ करके बोल रहा है वो सबसे बड़े है, जो श्रोता को कुछ नहीं, नहीं श्रोता को अंदर में भी बड़े बड़े अच्छे अच्छे ज्ञानी हैं, लेकिन कभी कभी श्रोता अपना को साधारण मन कर कथा सुन रहे, कथा में रस है, कथा में आनंद है, इसलिए जो सुन रहे हैं वो छोटा, जो बोल रहा है वो बड़ा, ऐसी बात नहीं। एक समय एक श्रोता ने जो वक्ता को बोले वक्ता जी अब ये मत सोचो और ऊपर बैठ कर कथा सुना रहे हो आप बड़े हो, अब ये मत सोचो, जो वक्ता था मैंने सोचा था जो देखो जो जमीन में बैठता है वो जमींदार, जो चौक को ऊपर बैठता है वो चौकीदार, समझ रहे हो, बोले जमीन को ऊपर में, जमीन को ऊपर में जो बैठता है वो जमींदार होता है माली, और चौक के ऊपर जो बैठता है वो चौकीदार, इसलिए बताओ जमींदार बड़ा ना चौकीदार बड़ा है। इसलिए प्रभुपाद प्रभुपाद बोलते थे, प्रभुपाद अपना भक्तों को बोलते थे बोले देखो तुम लोग मेरे विकट उदाहरण बंधु हो, अगर तुम लोग नहीं होते तो मैं भगवान की कथा किसको सुनाता, दीवार को तो कथा नहीं सुना सकता, पत्थर को तो कथा नहीं सुना सकता, सोचा हो तभी तो कोई कथा सुना सकते, इसलिए तुम लोग मेरे को विपत्ति से उद्धार करने वाले। इसलिए यहाँ पर ये सब चीज को देख करके ना जो पार्वती का दिमाग गठन है बोले ये क्या कथा सुनाएगा, जो पहले से उठ के बैठे कर रहा है ये तो कोई कथा क्या सुनाएगा, ये तो नियम है, क्या होता है जो श्रोता है वक्ता को सम्मान प्रणाम पूजा करते हैं, ये तो उल्टा है, जो श्रोता है हाँ वो जो श्रोता को वक्ता यहाँ पर प्रणाम कर रहे हैं पूजा कर रहा है, अखिलेश्वर जारी जानता है शंकर जी राम कथा सुनाने वाले शंकर जी है, उनका ही ग्रंथ है शंकर जी है हाँ, इसलिए यहाँ पर उल्टा पूजा कर रहे हैं। इसलिए अगस्त ऋषि सोचते है कथा तो मैं बहुत लोग को सुनाता हूँ लेकिन कहाँ ऐसे श्रोता मिलेगा, शंकर पार्वती जैसे श्रोता कब मिलेगा, इनको कथा सुनाने का विशेष सौभाग्य मिला है, इनको मैं प्रभु की कथा सुनाऊंगा, वो तो अपना सौभाग्य मान करके कथा को सुना रहे हैं, इसलिए उन्होंने उनकी कथा सुनाई, कथा सुना करके पार्वती का मन में शंका हो गई, ये कैसे किसको पास में कथा सुनने के लिए आए, पहले से पूजा कर रहा हूँ, इसलिए जब कथा सुन करके जब वापस जा रहे हैं, फिर गोस्वामी तुलसीदास यहाँ पर अभी जब वापस जा रहे हैं, जब वापस जा रहे हैं ऋषि फिर शंकर जी को बोले आप कृपा करके मेरे को भक्ति प्रदान करो, देखो जो श्रोता वक्ता श्रोता को बोल रहे आप मेरे को भक्ति प्रदान करो, शंकर जी उनको उपजुक्त जान करके शंकर जी उनको भक्ति को उपदेश दिया। ये सब चीज को देख करके ना सती का दिमाग ठन गया, उनका बोली ये कहाँ से कथा सुनने के लिए आ गए, इतना छोटे व्यक्ति जो आपसे सुनते हैं ये इसका मतलब है जो श्रोता जो वक्ता है इसे बताया ददाति प्रतिगृहणाति गुह्य माखयत विचति, जो हरि कथा है वो क्या है, इष्ट गोष्ठी है, इष्ट गोष्ठी मतलब अपना प्रभु की कथा आपस आपस में हरि कथा की आलोचना करना, हरि कथा की विवेचना करना है। इसलिए जब कथा सुन करके जब शंकर जी कुछ दिन रहे कथा सुने, शंकर जी वापस जा रहे और शंकर जी के मन में प्रभु की कथा सुने, अभी उनके मन में क्या प्रभु की कभी दर्शन मिलेगा, शंकर जी को पता है अभी प्रभु अभी राम रूप में प्रभु अवतीर्ण हो गए हैं राम रूप में, क्या प्रभु का कभी दर्शन मिलेगा,
शंकर जी प्रेम में विभोर होकर के प्रभु को चिंतन करते करते आ रहे थे, हठात यहाँ पर देखा प्रभु राम कैसे पिताजी के आदेश को पालन करते हुए शंकर जी वनवास आए और माता सीता की हरण हो गई। हरण हो गए तो प्रभु राम, हा सीते, हा मृगनयनी, हा सुंदरी, हे पतिव्रता सीता तुम कहाँ हो, उन्हें सब पेड़ पौधा सबको पूछ रहे हैं, हे सीते तुम कहाँ, हाँ सीते तुम कहाँ। विशेष करके राम जा जा करके गुरु जी एक बार बोल, राम जा करके विशेष करके ऋषि मुनियों का आश्रम के पास में जा जा करके जोर जोर से रो रहे थे। बोले क्यों रो रहे थे? बोले प्रभु राम देखा, प्रभु राम ऋषि मुनियों का आश्रम के आस पास में रहे, जब रहे ऋषि मुनियों का आश्रम में ब्रह्मचारी लोग रहते थे, ब्रह्मचारी लोगों ने देखा भाई भैया गृहस्थ जीवन तो बड़ा आनंद है, क्योंकि जो माँ सीता वो तो पतिव्रता, पति को बड़ी सेवा करती है सीता, बड़ी सेवा करती है सीता, वो तो साक्षात लक्ष्मी, राम की बड़ी सेवा करते, बड़ी सुंदरी। ब्रह्मचारी लोगों ने देखा भैया ये बड़ा अच्छा जीवन है, हमारा भी शादी हो जाए, हम ये आनंद ले, मन में ये बड़ी इच्छा हमारा भी शादी हो जाए। लेकिन भगवान ने देखा ये ब्रह्मचारी लोग मेरे गृहस्थ लीला को देख करके समझ नहीं पा रहे, ये सोच रहे हमारा भी शादी हो जाए, इनको पता नहीं कितना दुख मिला ये, इनको पता ही नहीं। हाँ इसलिए ब्रह्मचारी लोग सोच रहे हैं, बोले बोले भैया हमको इतना सुंदरी बीवी कौन देगा, पत्नी कौन देगा, हाँ इधर रामचंद्र को इतना सुंदर सीता मिल गया। फिर सोच रहे हैं, हमने सुना रामचंद्र का चरण में पत्थर लग गया तो वो अहल्या बन गई, अहल्या बड़ी सुंदर थी, बोले हम भी पत्थर को लाएंगे, राम का चरण में स्पर्श कराएंगे, सुंदर सुंदर लड़की बन जाएगी, हम भी शादी कर लेंगे। लेकिन जब सीता हरण हो गई, हाँ सीता हरण हो गई, राम तो बिलग बिलग करके पछाड़ पछाड़ खा कर रो रहे थे, पेड़ पौधा वो पूछ रहे थे हमारे सीते कहाँ है, मृगनयनी सीते कहाँ है। ब्रह्मचारियों ने देखा ये ब्रह्मचारी हम तो सोच रहे थे बड़ा आनंद है, ये भगवान होकर पत्नी को रखा नहीं कर पाए, ये ठाकुर जी है पत्नी को रखा नहीं कर पाए, और पत्नी विरह में रो रहे, अगर हम शादी कर लिया तो जंगल है पता नहीं, हमारे राक्षस लोग पता नहीं कब पत्नी को उठाकर ले जाएगा, फिर रोना पड़ेगा, नहीं जरूरत नहीं भैया। इसलिए यहाँ पर शंकर जी जब वापस जा रहे थे, बोले कथा सुनने का फल क्या है, बोले कथा सुनने का फल है भगवत दर्शन, ठाकुर जी का दर्शन। फिर उन्होंने प्रभु राम को उन्होंने दर्शन किया, हृदय गदगद हो गया, कथा सुनने का फल मेरे को मिल गया। फिर रामचंद्र अपना प्रभु को प्रणाम किया भगवान जान करके, ठीक है समय हो गया, फिर कल से हम यहाँ से सुनेंगे, ठीक है, और कल भगवान राम का जन्म कथा सुनेंगे, ठीक है, कल भगवान राम जन्म लेंगे, इसलिए आप लोग सबके सब अयोध्या वासी नहीं, हम ब्रजवासी बन कर गया, क्योंकि हम कन्या के, हम सबके सब कन्या के सब सखा सकती है, इसलिए कल आप लोगों ने सब अच्छे तरह से कपड़े पहन करके, हाँ जैसे प्रभु राम कन्या जन्म लेने पर सब ब्रजवासी जैसे सज धज करके श्रृंगार पहन करके आए थे, कल अच्छे से कपड़े पहन कर गाना, कल राम लाला जन्म उत्सव हम यहाँ पर बनाए, ठीक है। बोले श्री श्रिया बल रामचंद्र की निताई गौर प्रेम Oh,
पहुंचाना राम की नगरिया, बजरंग बली